कन्नौज के सोरिक क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में कोई गौशाला नहीं है, जिसकी वजह से किसान पशुओं से बहुत परेशान है। अपनी फसल की रखवाली के लिए किसानों को रातों दिन खेतों में रहना पड़ रहा है, और अगर कोई चूक हो जाती है तो पशु किसानों की फसलों को बुरी तरह नष्ट कर देते हैं। गाय जी साढ़े ढीले हैं, किसान को इतने परेशान कर रहे हैं कि रात रात के 11 11 12 बजे तक रखाना पड़ता है। दो चार लोगों को तो मार दिया हमारे पड़ोस में। इतना आतंक है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। किसान बताओ क्या करे, रात रात भर समस्याएं ये बनेगी तो क्या करेगा। बस हमारी रिक्वेस्ट सरकार से इतनी है कि मतलब इनका कुछ समाधान किया जाए, या इनको कुछ ऐसा मतलब नियम बनाया जाए जिससे किसान कुछ कर सके, पकड़ा जाए, कुछ भी हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, इनका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। दुखी किए हैं, यहाँ गौशाले साले कुछ नहीं है, सांड आते हैं सब खा जाते हैं आजरे आजरे। यहाँ पर बहुत समस्या है सांडों की, कोई व्यवस्था नहीं उनकी है। आपको बता दें कि किसानों ने अपनी फसलों को पशुओं से बचाने के लिए खेतों में कटीले तार बांधे हुए हैं, तो कहीं खुद रात भर जाकर फसलों की रखवाली कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अन्ना पशुओं का झुंड आकर किसानों की फसलों को नष्ट कर रहा है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से 1,25,00,000 की लागत से जिले में 150 अस्थायी गौशालाएं खोली गई हैं, लेकिन अभी तक एक स्थायी गौशाला भी मौजूद नहीं है। कन्नौज से न्यूज़ के लिए पंकज की रिपोर्ट।